प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में उस वक्त व्यापारियों में हड़कंप मच गया जब नगर निगम का बुलडोजर सड़क पर बनी दुकानों को तोड़ने पहुंच गया। जैसे ही व्यापारियों ने गरजते हुए बुलडोजर को देखा तो व्यापारी भी अधिकारियों से दुकानों को खुद ही तोड़ने का समय मांगने लगे, जिसके बाद व्यापारियों ने खुद ही दुकानों के आगे हो रहे अतिक्रमण को तोड़ना भी शुरू कर दिया और नगर निगम का गरजता हुआ बुलडोजर वापस हो गया। नगर निगम के अधिकारियों के मुताबिक यदि व्यापारियों के द्वारा अतिक्रमण बरकरार रखा जाएगा तो फिर से बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाने का काम किया जाएगा। दरअसल मुरादाबाद जनपद में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर को स्मार्ट बनाने का काम तेजी के साथ किया जा रहा है। इसी कड़ी में मुरादाबाद के मुख्य बाजार को भी सौंदर्यकरण करके उसे स्मार्ट बनाने की कोशिश में नगर निगम लगा हुआ है, जिसके चलते आज नगर निगम मुरादाबाद की टीम मुरादाबाद के मुख्य बाजार बुद्ध बाजार में पहुंची और दुकानों के आगे हो रहे अतिक्रमण को हटाने का काम किया, जिसे देख व्यापारियों में खौफ और खलबली मच गई। अधिकारियों ने जैसे कि दुकानों के आगे बने अतिक्रमण को तोड़ने का काम शुरू किया तो व्यापारी सामने आ गए और एक दिन का समय व्यापारियों ने अधिकारियों से मांगना शुरू कर दिया, जिस पर सहमति जताते हुए अधिकारियों ने मोहलत दी और 31 अक्टूबर से दोबारा अभियान चलाकर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। सर, मुरादाबाद के बुद्ध बाजार में नगर निगम द्वारा अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है, किस तरीके से आपका यह अभियान चलेगा और कब तक चलेगा? देखिए, मुरादाबाद स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत कुछ प्रमुख सड़कों का सौंदर्यीकरण और चौड़ीकरण का कार्य कराया जा रहा है। उसी के अंतर्गत ये 3-4 सड़कें चिन्हित की गई हैं, इन पर अतिक्रमण है। इस अतिक्रमण को चिन्हित कर लिया गया, निशानदेही करा दी गई। इस क्षेत्र में 15-20 बार अनाउंसमेंट भी करा दिया गया, इनके पदाधिकारियों के साथ में वार्ता की गई, 3-4 चरणों की वार्ता कर ली गई है और इनको बता दिया है कि इनका कितना अतिक्रमण है। ये जन सुविधा के लिए है, ये क्षेत्र की सुविधा के लिए बनाए जा रहे हैं। जो सड़क चौड़ी होगी, सौंदर्यीकरण यहाँ का होगा, जो बिजली के तार खंभे बेतरतीब लगे हैं वो व्यवस्थित होंगे, तो इनके व्यापार को ही फायदा मिलेगा। इसके लिए आज हमने एक अभियान चलाया, इसमें व्यापारियों ने हमको सहयोग किया, खुद ही अपने सांकेतिक रूप से उन्हें हटाना शुरू किया है। लेकिन अभी पक्का अतिक्रमण ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होनी है, उसके लिए उन्होंने समय मांगा है। कल तक का हमने समय इनको दिया है, परसों यानी 31 तारीख को दोबारा अभियान चला करके जितनी हमको आवश्यकता होगी, जितना इनका अवैध अतिक्रमण है उसको हटाने की कार्रवाई पुनः की जाएगी। कुछ व्यापारी लोग मिले भी हैं सर आपसे, क्या व्यापारियों से वार्ता हुई? उन्होंने अनुरोध हमसे किया है कि हमें कल तक का समय दिया जाए, उसी क्रम में हमने उनको समय दिया है। उनसे सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्ता हुई है और हमें पूरी आशा है कि परसों हम इस अभियान को उनके सहयोग से पूरा कर पाएंगे।